बॉलीवुड में फिलहाल रीमेक सिक्वल फिल्मों का चलन काफी बढ़ गया है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म मेकर सुभाष घई 1976 में आई सुपरहिट फिल्म काली चरण का रीमेक बनाने वाले हैं। जी हाँ, सुभाष घई ने यह डिसाइड किया है कि वो अपनी काली चरण मूवी का दोबारा रीमेक बनाएंगे। इस रीमेक में मुख्य किरदार निभाएंगे टाइगर श्रॉफ, की फिल्म का निर्देशन करेंगे रोहित शेट्टी। आपकी जानकारी के लिए ये बताना जरूरी है कि 1976 में आई इस एक्शन ड्रामा में शत्रुघ्न सिन्हा और रीना राय ने मुख्य किरदार निभाया था। काली चरण को पहले ही तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में बनाया जा चुका है। सूत्रों की माने तो टाइगर श्रॉफ की मीटिंग रोहित शेट्टी से 2 घंटे तक हुई है, जिसमें डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने उनको काली चरण मूवी की स्क्रिप्ट सुनाई है, जिसके बाद से ये खबरें तेज हो गई है कि टाइगर श्रॉफ अब जल्दी ही रोहित शेट्टी के साथ उनके नए प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, टाइगर श्रॉफ को ज़्यादातर एक्शन फिल्मों ही में ही देखा गया है। उनकी बागी 1, बागी 2 और बागी 3 जबरदस्त एक्शन सुपरहिट हुई है, और वहीं रोहित शेट्टी को जबरदस्त एक्शन फिल्मों के बनाने के लिए जाना जाता है। ऐसे में यह पक्का हो सकता है कि काली चरण मूवी एक दमदार जबरदस्त एक्शन थ्रिलर होगी। तो देखते हैं रोहित शेट्टी और टाइगर श्रॉफ की ये जोड़ी काली चरण मूवी में क्या गुल खिलाती है। क्या ये जोड़ी एक नया एक्शन ड्रामा और नए स्टंट्स के साथ में शामिल होगी या नहीं। बॉलीवुड की ताज़ा खबरें और अपकमिंग मूवी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फिल्मी फार्ट।